Load potential on photoelectric current at different frequency but at constant intensity. Now, in this observation, what we are going to do? We will vary V and फिर देखेंगे कि कितना current हमें मिल रहा है. And we are going to change the frequency of light. हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लेकिन इंटेंसिटी सेम रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जितना आ रहा है उतना ही रखेंगे लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहेंगे. ठीक है. नाउ अगेन ए इज कनेक्टेड विद एनोड, इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल. सी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड है एनोड है. व्हेन वी इज जीरो वी आर गेटिंग सम current, and when we are increasing V at a particular at a frequency new one, एक new one frequency पे हमने V को बढ़ाना start किया. Photoelectric current is increasing and now it becomes maximum, right? उसके बाद से हम कितना V बढ़ाते चले जा रहे हैं. दिस करेंट इज नॉट इंक्रीजिंग एंड दिस करेंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करेंट. ठीक है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करेंट. ठीक है. नाउ अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द सेल. Just reverse the polarity of the cell. Cell की polarity को हमने reverse कर दिया now. ठीक है. Now this will becomes positive, negative. What will happen? You are increasing this potential, reverse direction, retarding potential बढ़ा रहे हो. What will happen? Photoelectric current will start decreasing and it will becomes zero. Let it is zero at V 01. Clear हो गया. ये graph, ये portion मुझे क्यों मिल रहा है? ये portion इसलिए मिल रहा है because when you are increasing the anode potential, right, in positive way, तो उस वक्त ये प्लस था और ये माइनस था. तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए एंड जैसे जैसे आप वी बढ़ाते जा रहे हो, इसको जितना ज़्यादा पॉजिटिव करते जाओगे, व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज़्यादा पहुँचेंगे एंड इलेक्ट्रॉन करंट विल इंक्रीज. बट वाई वी आर गेटिंग दिस रीजन, ये रीजन मुझे क्यों मिल रहा है? बिकॉज व्हेन यू हैव चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सेल, तो रिटार्डिंग फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन्स को सी से ए तक नहीं आने दे रहे हैं. और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, उसको जितना ज़्यादा नेगेटिव करते जा रहे हो, रिटार्डिंग फोर्स उतना ही बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आ रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन सी से ए तक नहीं पहुँच रहा है एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम्स जीरो. ठीक है. नाउ I am just going to increase the frequency now. पहले मैंने क्या किया, frequency को अब new one से, this was at the new one. ये जो था ये new one frequency पे था. ठीक. Now I am going to increase the frequency और frequency को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और सेटअप को पूरा वैसे ही कर दिया जैसे मेरा ओरिजिनल था. एनोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिया. ठीक है. एंड दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव. ठीक. एज आई हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को जीरो रखा,
तो मुझे कुछ करंट मिलो, आई हैव गॉट सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिस मच, आई हैव स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट सेचुरेशन करंट इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक, अब सेचुरेशन करंट नहीं बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो भी सेचुरेशन करंट उतना ही रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू हैव इंक्रीज इज द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो आ रहे हैं, जो इंसिडेंट कर रहे हैं इसी पे, वो नहीं बढ़े, एंड इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम द सी वो भी सेम ही रह गए। क्लियर हो गया? तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिमेंस सेम, दे आर नॉट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होता तो ये सेचुरेशन करंट बढ़ गया होता। नाउ आई हैव रिवर्सेज द पोलैरिटी, सेल की पोलैरिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, दिस विल बिकम्स पॉजिटिव, नाउ दिस इज बिकम्स नेगेटिव। रिटार्डिंग फोर्स विल एक्ट ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, बट इट इज जीरो एट सम अदर पॉइंट। अब ये वी जीरो वन पे जीरो नहीं हो रहा है, नाउ इट इज जीरो एट हायर पोटेंशियल। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स डैट इफ यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी देन सेचुरेशन करेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करने का क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स डैट इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट मीन्स डैट वी आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इफ अगेन आई, दिस वॉज ऑन वी न्यू टू, एंड व्हेन आई एम इंक्रीजिंग अगेन फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री कर दिया, देर इज नो चेंज इन द सेचुरेशन करेंट, बट देर इज चेंज इन द इंक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेयर न्यू वन इज लेस देन न्यू टू इज लेस देन न्यू थ्री। वॉट डज इट मीन? दैट इन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द लाइट, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।